नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज अम्बाला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा कोरोना योद्धा डॉक्टरों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान उन डॉक्टरों को भी श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान तक गंवा दी। वहीं योद्धाओं को याद करते समय कुछ डॉक्टर यहां पर भावुक होते हुए भी नजर आए। कार्यक्रम के दौरान अनिल विज ने प्रदेश भर से आए विभिन्न विभिन्न डॉक्टरों को यहां पर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स यहां पर कार्यक्रम में भावुक हुए थे उन्हें भी अनिल विज बखूबी संभालते हुए नजर आए। विज ने यहाँ पर कार्यक्रम में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए सल्यूट भी किया उन डॉक्टरों को जिन्होंने कोरोना काल में बिना डरे बिना जान की परवाह किए इस महामारी के दौर में बखूबी अपनी ड्यूटी निभाई। क्या कुछ कहा विज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक भी, और अगर मैं हिंदुस्तान में कहूं तो खाली पुणे में इसकी टेस्टिंग लैब थी। आज 16 लैब तो सरकारी दायरे में लगी हुई है, 16, और 6 या 7 प्राइवेट सेक्टर में इसकी लैब्स हैं। लगभग 1,04,000 पर मिलियन हमने टेस्ट किए हैं, 1,04,000, बहुत बड़ी संख्या है। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो दूसरे प्रदेशों और देशों से भी हमारी टेस्टिंग बहुत ज्यादा है, बहुत एनकरेजिंग डेटा हैं हरियाणा के। और ये सब हो पाया है आपकी बदौलत। मैं आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।